मेरे तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग्स। ये वीडियो हिंदी भाषा में है और मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो अलग अलग देशों से कनाडा में अभी जनवरी सेशन में आ रहे हैं या जो कनाडा में अभी रिसेंटली सितंबर इनटेक में आए हैं। उनके लिए सरकार ने 10 सहूलतें नई इंट्रोड्यूस की हैं और वो इनका उचित लाभ ले सकते हैं। नंबर एक क्या है कि आइलेट्स वालों ने ये सुविधा दी है, क्योंकि क्या पहले क्या होता था, भारत में बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश का जो टेस्ट था वो चारों मॉड्यूल में सही नंबर नहीं ले सकते थे। आइलेट्स अथॉरिटी ने अभी ये रूल इंट्रोड्यूस किया है कि यदि उनका एक मॉड्यूल के अंदर नंबर कम आते हैं तो वो एक मॉड्यूल का ही सेपरेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो, ये काफ़ी देर से स्टूडेंट्स इसकी मांग कर रहे थे, जो कि कनाडा की सरकार ने आइलेट्स अथॉरिटी को रिक्वेस्ट की और उन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है। दूसरा क्या है कि पहले आपने देखा ही था कि कोरोना की वजह से जो स्टूडेंट्स के वीज़े थे वो 6-6 महीने 8-8 महीने के ऊपर फैसला नहीं होता था। अभी कनेडियन अथॉरिटीज़ ने इसको स्टूडेंट्स को विश्वास दिलाया है कि उनका जो स्टडी परमिट की एप्लीकेशन है वो विद इन 90 डेज कोशिश की जाएगी कि वो कंप्लीट प्रोसेस कर ली जाए। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल इस साल 2022 में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यूज़ किया जा रहा था, उसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स के जो वीज़ा थे वो रिजेक्ट कर दिए थे। आप उन फाइलों को दोबारा लगा सकते हो, इसको 90 डेज का टाइम लगता है और ये आपके लिए एक अच्छी सुविधा सरकार ने दी है। तीसरा क्या है कि जो स्टूडेंट्स कनाडा में हैं, आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको 15 नवंबर 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक 20 घंटे से ज़्यादा काम करने की परमिशन दी गई है, ताकि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो चुकी है उसको वो फेस कर सके। चौथा क्या है कि कुछ एडिशनल फ्लाइट्स ऐड की गई हैं। आपने देखा ही होगा कि जो सितंबर इनटेक में स्टूडेंट आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने 2-2 लाख रुपए की भी एयर टिकट खरीदी है। अभी उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा फ्लाइट्स इंट्रोड्यूस की गई हैं दिल्ली और कनाडा के बीच में, ताकि उनको टिकट कम रेट पे आसानी से मिल सके। नंबर 5 यह है क्या है, जो स्टूडेंट कनाडा में पढ़ रहे हैं जब वो अपनी पीआर की फाइल लगाते हैं तो उनको कनाडा की पढ़ाई के एक्स्ट्रा नंबर मिल सकेंगे, ताकि उनका सीआरएस स्कोर राइज कर सके, ताकि कनाडा में वो आसानी से पक्के हो सकें। नंबर 6 है, सरकार ने बहुत बड़े बड़े शहरों में स्काई ट्रेन स्टेशन या मेन बस स्टैंड या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास ही नई अकोमोडेशन के लिए इमारतें उसार दी हैं, ताकि उनको दूर ना जाना पड़े अपनी रिहाइश के लिए। नंबर 7 देखो क्या है कि स्टूडेंट्स की उम्र कम होती है और वो अक्सर ना तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ना वो टीवी देखते हैं, ना वो रेडियो के ऊपर कोई प्रोग्राम सुनते हैं, इसलिए उनको काफ़ी बार ये मालूम नहीं पड़ता कि जब वो कनाडा में आते हैं उनको कौन सी प्रोविंस में जाना चाहिए, ताकि वहाँ उनको अकोमोडेशन भी सस्ती मिलेगी, उनकी ट्यूशन फीस भी कम होगी, वहाँ पे उनको जॉब भी इजीली मिल सकेगी और उनको रूम रेंटल बहुत कम रेट पे मिलेगा और उस शहर में ट्रैफिक भी नहीं होगी, उनको लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपना काम नहीं कराने पड़ेंगे। और कुछ प्रिंसेस में जो रोड का ड्राइविंग टेस्ट पास करना बहुत आसान होता है। ये सब चीज़ के लिए बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है और स्टूडेंट्स को अपने लेवल के ऊपर फाइंड आउट करना चाहिए कि कनाडा में कौन से प्रोविंस में जाना चाहिए,
हर स्टूडेंट या सरी में आना चाहता है या ब्रैम्पटन में जाना चाहता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो चुकी है कि ये दोनों शहरों में मकानों की कीमत, कमरों का किराया इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए रहना आसान बिल्कुल नहीं है। सो नंबर 8, क्या स्टूडेंट्स को अपना राइट प्रोग्राम चूज करना चाहिए। देखो क्या है कि यहाँ कोई MBA MCA करके को आप DC लगने वाले नहीं हो। ये लेबर इंटेंसिव कंट्री है, सभी यहाँ आकर लेबर ही करते हैं। वो सिर्फ एक ड्रामा है कि आप किसी सिस्टम है कि आप किसी चीज़ में एडमिशन लेने कर आ रहे हो। यहाँ अगर आप 2 साल पढ़ाई करो, 3 साल पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट करो, फिर पक्के हो जाओ, ये सिंपली फॉर्मेलिटी है। सो आप अपना कोर्स वो चूज़ करो जो आप, देखो आप www.canadajobs.ca को पर जाओ, वहाँ आप अपनी तसल्ली करो कि भाई कौन से काम की ज़्यादा डिमांड है कनाडा में। जो 2023 में मेरे मुताबिक एक्सपीरियंस मुताबिक है, कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स, नर्सेस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की ज़्यादा शॉर्टेज है। कुक्स यहाँ मिलते नहीं हैं, तो शेफ नहीं मिलते हैं। जो लड़कियों को बच्चों से प्यार है उनको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का कोर्स करना चाहिए। इसकी फीस भी कम है, पक्का भी जल्दी हो सकती हैं, और अपनी स्टडी के बाद में वो अपना क्रैच खोल सकती हैं या नर्सरी स्कूल खोल सकती हैं, उसके लिए उनको सुविधा है। सो आपको जब भी भारत से आप कोई नया प्रोग्राम की सिलेक्शन कर रहे हो, तो उस जाकर इमिग्रेशन कंसल्टेंट को डिक्टेट मत करो कि मुझे इस कोर्स में दाखिला लेकर दो। आप अपने लेवल के पर कोशिश करो ये बात करने की, सोचने की कि मैंने जो पढ़ाई भारत में की हुई है उससे रिलेवेंट कौन सा कोर्स मैं कनाडा में लूँ, ताकि कनाडा में ज़्यादा लाभ उसको है जो अपना बिजनेस यहाँ स्टेब्लिश करता है। स्टडी के बाद में यदि बिजनेस स्टेब्लिश करते हो, आप करोड़पति भी हो सकते हो। यहाँ पे इंडिया की तरह बैंक लोन लेने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, उसके लिए सिस्टम बना हुआ है। नंबर 9, यदि आज आप ब्रैम्पटन में या वैनकूवर में ही आओगे तो आपको लंबी क्यूज में खड़ा होना पड़ेगा आपके इंडियन स्टाइल में, जबकि कनाडा में तो वो लाइन में लगने का वो स्टाइल है, यहाँ पर फैशन नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो इसलिए आपको बिना लाइन के हर काम मिल जाता है। यदि आपको कंप्यूटर आता है तो आप हर काम कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन करा सकते हो। तो नंबर 10 क्या है कि यदि आप कुछ प्रोविंसेस में जाओगे, वहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी इजीली मिल जाता है, आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट भी जल्दी हो सकते हो। जिसका मतलब इंटर्न क्या है कि आप कनाडा में पक्के होंगे, जल्दी आपकी शादी होगी, जल्दी आप 40 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हो और आपको पेंशन बेनिफिट मिलते हैं। सो आप जब भी कनाडा में कोई सी चीज़ किसी भी प्रोग्राम में आ रहे हो तो कोशिश करो कि किसी RCIC जो कनाडा का रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट है उसको कनाडा का सिस्टम मालूम है। इंडिया और कनाडा में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मीन्स वहाँ पे कमीशन एजेंट ज़्यादा हैं, कंसल्टेंट कम हैं। सो प्लीज़ इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप हमारा भारत में जो ऑफिस है वहाँ पे सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक फ़ोन कर सकते हो। वहाँ के नंबर हैं 9815101148। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।